तो बढ़ते खबरों की ओर। अब बड़ी खबर रायपुर से निकलकर सामने आ रही है, जहां संविदा कर्मचारियों का बड़ा प्रदर्शन आज। आपको बता दें, नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं संविदा कर्मचारी, महिलाओं और बच्चों के साथ मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर लगातार पिछले एक महीने से संविदा कर्मचारी छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन कर रहे हैं। आज वहीं इसी कड़ी में संविदा कर्मचारी बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, महिलाओं और बच्चों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं यहां पर रायपुर से, जहां पर नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार संविदा कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज बड़ा प्रदर्शन आपको सीधा ले चलते हैं यहाँ पर मोहम्मद हसन हमारे संवाददाता, जहाँ प्रदर्शन स्थल पर मौजूद है। जी हसन, आपसे जानना चाहेंगे, आज संविदा कर्मचारी कुछ अलग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहाँ पर? से जो है प्रदेश भर के संविदा कर्मचारी, चौवन विभाग के 45,000 से संविदा कर्मचारी जो है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। और आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया, और अब माई पिल्ला रैली जो है आज निकाली जा रही है। एक सूत्री मांगे कर्मचारियों की नियमितीकरण, जिसको लेकर के प्रदेश भर के अलग अलग विभागों के कर्मचारी जो है वो तूता धरना स्थल पर पहुंचे हुए हैं। जल सत्याग्रह किया गया, हरेली त्यौहार के दिन प्रदर्शन किया गया, गेड़ी चल करके प्रदर्शन किया गया, इसके अलावा घुटनों पर चल करके भी प्रदर्शन किया गया नियमितीकरण की मांग को लेकर के। लेकिन मांगे अब तक पूरी नहीं होने के चलते आज अपने माताएं और बच्चों के साथ मिलकर के रैली निकाल करके प्रदर्शन किया जाएगा। यहाँ पर कुछ माताएं हैं जो प्रदर्शन करने आई है, उनसे बातचीत करेंगे। लगातार मांग कर रहे हैं, आज 29 दिन हो गए हैं। जी सर, आज हम सबको मांग करते हुए 29 दिन हो गए हैं। सरकार अंधी गूंगी बहरी बहर बैठी हुई है। हमने 4 साल से आवेदन निवेदन अलग अलग माध्यम से किया, लेकिन आज तक से उनके तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है। आज हम मजबूर हो गए हैं कि अपनी वादा को याद दिलाने के लिए आज हम अपने पूरे घर परिवार के साथ बच्चे को लेके यहाँ पर बैठे हुए हैं, और जब तक हमको अपना नियमितीकरण नहीं मिलेगा हम अपने पूरे परिवार के साथ यहीं डटे रहेंगे, यहाँ से जाने वाले नहीं है। तो वो कांग्रेस सरकार जिन्होंने हमसे झूठा वादा किया है, मैं उनसे आज भी हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि अपना वादा निभाइए। छत्तीसगढ़ के ऐसे कर्मचारियों को जिन्होंने अपने छत्तीसगढ़ के सभी विभागों को इतना आगे पहुँचा। यहाँ पर लगातार प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर जारी है। सूरज सिंह भी है हमारे साथ, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं 29 दिन से। लगातार हम विभिन्न माध्यमों से सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार से संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे 29वें दिन, आज हमारे पूरे परिवार से हमारे माँ पिताजी बच्चे और जो हमारे सहपाठीगण हैं सब उपस्थित हुए हैं, और सबका कहना है कि छत्तीसगढ़ से संविदा कुप्रथा समाप्त होनी चाहिए। और इसकी जिम्मेदारी अगर माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी ने 2018 को चुनाव के पूर्व लिया था तो तत्काल उनको इस पे पहल करते हुए तत्काल नियमितीकरण का सौगात देना चाहिए। जी, तो लगातार 29 दिन से जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर सभी संविदा कर्मचारियों का जारी, और आज माई पिल्ला यानी कि बच्चों और माताओं के साथ मिलकर के रैली निकाल कर जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक बार फिर से बता दें, यहाँ पर संविदा कर्मचारी